अलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त करिए से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये अल्फा का वाटर हीटर है, गीज़र है, इसको हम इंस्टॉल करने लगे हैं। मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। ये देख लें, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाला है अल्फा का। ठीक हो गया, ये देख लें इसमें क्या क्या होता है। एक तो ये वाटर हीटर हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये शेप में है, बड़ा प्यारा है, खूबसूरत सा लग रहा है। इसमें ये जो बटन होता है, एक टेस्ट के लिए होता है, रीसेट के लिए होता है, पंप एक्टिवेट के लिए होता है। मतलब इसमें पंप ही है, अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल है, और पंप का जो है इसमें वाटर पंप का, उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। ठीक हो गया। उसके साथ एक ये शावर सेट होता है, इसको रेन शावर बोलते हैं, जिस शेप में है, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मिला है हमें। ये देखें, इसकी होज है इंस्टॉलेशन के लिए, दो साथ मिली हैं, एक हैंड शावर के लिए और एक दूसरे हेड शावर के लिए। ये इसका हेड है, ठीक है। ये इसका सेफ्टी वाल्व होता है, चाइल्ड लॉक भी इसको बोलते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए वाल्व प्लग और स्क्रू वगैरह हैं। और ये जो बड़ा शावर है, रेन शावर, ये देख लें, तकरीबन 10 इंच में है, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये जो सारी एसेसरीज हैं इसकी, इसको होल्ड करने के लिए, ये हैंड शावर और रेन शावर को होल्ड करने के लिए इसका ये स्टैंड है, ठीक है। ये देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसको लगाने का क्या तरीका है, हमने इसकी वायरिंग ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, आपको दिखाते हैं। ये हमारा वॉशरूम है जिधर हमने लगाना है इसको। तो ये 20 एम्पेयर का स्विच है, हमने बाहर लगाया है। बाथरूम की लाइट भी बाहर से ऑन होती है, तो ये इसका 20 एम्पेयर का स्विच हमने लगाया है, इन केस आप बाहर से ही ऑन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वायरिंग हमने इसकी कर दी है। ये पहले एक पुराना शावर लगा हुआ था इधर, गीजर, इसको हम रिमूव करेंगे, और वायरिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसको अगर आप सादी जबान में बोलें तो इसको 729 की वायर लगानी है, क्योंकि ये जब चल रहा होता है इसमें पंप भी है और वाटर हीटर भी है, तो थोड़ा गर्म होने का खदशा होता है। 329 की वायर बेहतर है, आप 729 की वायर लगाएं। हमने
या